पैगंबर जी असं तुहानूं रोकेंदे पया है, भावे जितना कोई दुनियादार आलीशान गुजर पवे, तुसां इन्हां दे कोलों नजरां चा के कै होर नूं वेखणा कोई नहीं। इन्हां नूं वेखी रखना है क्योंकि ये सिर्फ तुहानूं वेखण वाले हुंदे हैं। इन्हां दे दिल ठरदे ते तुहाडियां ज़ियारतां नाल, इन्हां दियां भुखां लांदियां ते तुहाडियां ज़ियारतां नाल, जिवें ये तुहाडे अल मुतवज्जे हुंदे ने, इन्हां दा वी मकाम मैं बड़ा आला बणा दा है मेरे पाक पैगंबर। उला ग्रोपे मेरा गिरोए मेरे पाक पैगंबर जी आए तुहाडे कोल सरदार तुसां इन्हां दे हो, मगर रखवाला मैं आप इन्हां दा, ए जमात बनावण वाला मैं आप हाँ। लिहाजा तुहाडा मकाम ते सारी दुनिया रल जाए तुहाडा मुकाबला नहीं कर सकदे, ते इन्ने सारियां उम्मतां रल वंजण तुहाडे इन्हां साहब किराम दे मकाम ते शान नूं नहीं मिल सकदे। चुण तो सिर्फ नारे वास्ते बैठा हो, सुभान अल्लाह, तू नारे ना मार। लोग अक्सर इन्हें पैसे दिते से नारे वास्ते, कोई होर मारे पे नारे, तू हूं नहीं मारना नारा, सुभान अल्लाह। भाई तवज्जो है कोई छो अल्लाह वो थोड़े जे तो कोई ना, ते सारे पैसों लिए कोई ना। अक्सर गरीब हैं, अक्सर गरीब सब तो पहले होंदे ने करीब अंबैया किराम दे, पैसे वाले सोच ही रखते कि साड़ी सरदारी ना खत्म हो जाए, साड़ी चौधराहट ना खत्म हो जाए, साडा मुड़ तुरा तले ना हो जाए, वह सोच ही रखते। लेकिन गरीब वो या हक की आवाज सुनता तो फौरन करीब हो जाता है, अक्सर गरीब। ये वखरी गल है, कोई जल्दी आया अल्लाह, अल्लाह ने क्या फरमाया, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون दौड़ दौड़ के आवण वाले, सबकत लैके आवण वाले, पहले पहले आवण वाले, बालिग मर्दा विचों पहले आवण वाले कौन? चुप आते बोले करो ना, तुहानूं मैं आखिया था जितनी देर बैठे हो सवाब ले रखो। बालग मर्दा विचों सब तो पहले आवण वाले कौन? ना बालगा विचों सब तो पहले आवण वाले कौन? वल गुलामा विचों सब तो पहले आवण वाले कौन? बिलाल ना जैद बिन हरसा रजी अल्लाह ताला जेड़े मुतबन्ना हैं, इन्हें खवातीन विचों सब तो पहले आवण वाली कौन? हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला ना, वल इन्हे आंदे गए नेड़े बंद गए आवण वाले आंदे गए, वस्साबिकून अल अव्वलून, फतह मक्का तो पहले पहले आवण वाले, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من المهاجرين जमा दे उत्ते लिफलाम जमा सालिम ते इस्तिगराक वास्ते होंदी है जिन्स वास्ते। अल्लाह फरमांदा है जितने भी मुहाजिरान जितने भी अंसारान, वस्साबिकून अल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जितने भी आए फतह मक्का तो पहले हिजरत करके आए या हिजरत करके आवण वाले सीने लावण वाले आए, अल्लाह फरमांदा है ये भी ते वल वल्लदीन तबऊहुम बेसान, जेड़े फ
ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿਦਾਂ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਚ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ ਈ ਮੱਕਾ ਤਾਂ ਆਏ ਆਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਬਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਬਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਸਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਕਰੀਮ ਇਬਨੇ ਕਰੀਮ ਆਨ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਈ ਲਾ ਤਸਰੀਬ ਅਲੈਕੁਮ ਅਲਯੌਮਾ ਅੰਤੁਮ ਤੁਲਕਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸ਼ਹਾਦੋ ਅੱਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਹੂ ਵਾਸ਼ਹਦੋ ਅਨ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੂ ਵਰਸੂਲੋ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦਬਾਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਿਖਲਾਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਹਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਬੇਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਖਲਾਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਿਆਦਾ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਜ਼ੂ ਅਨਹੁ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਹਾਬੀ ਹਨ, ਮਗਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੁਮਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁਮ ਵਰਜ਼ੂ ਅਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਤਕੀ ਹਨ। ਦਿਲ ਵੇਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਦਿਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਵਜੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਝੁੱਕ ਵਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁੱਕ ਵਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਨਾ ਝੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਝੁੱਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਬੈ ਇਬਨ ਸਲੂਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ। ਦਿਲ ਝੁਕਾਈ ਸੀ ਵੱਤ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਖੋਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਬਜ਼ਾਹਰ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇਦਾ ਰਹੇ ਕੱਖ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਰਡਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਹਨ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਯਾ ਅਯੂ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਓ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕੇ ਵੇਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਚੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਰਡਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਇਤਨਾ ਐਸਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਆਦਿਆਂ ਰੁੱਦਾ ਅਲਈਆ ਮਾ ਫਹਿਮਤੋ, ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜ਼ਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਤੇ ਉਚੇਰਾ ਕਰ। ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਨ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਕੀਏ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਲਲਜ਼ੀਨਾ ਯਗੁਦੂਨਾ ਅਸਵਾਤਹੁਮ ਇਨਦ ਰਸੂਲਿਲਲਾਹ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ
मेरे पाक पैगंबर दी महफिल दे अंदर बैठे होया अपनियां आवाजां नूं ना झिक्का कर लिया है मैं आख्या ते हौलू बोलन लग गया उला फरमांदा है यह बंदे जड़ियां अपनियां आवाजां जिन्ना झिकियां कर लिया ने ओ मैं गवाही देना उलाइक अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाह कुलूबहुम लित्तक्वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम अल्लाह फरमांदा है माइना दे दिलां दे अंदर जाति पाई दिलां दे अंदर इम्तिहान आम तौर ते उर्दू विच लफ्ज इस्तेमाल होंदा है जिहड़ी गल ना मालूम होवे उहनू मालूम करना होवे तां इम्तिहान नहीं पता इस बच्चे कितनी मेहनत कीती है कितनी नहीं इम्तिहान लाओ लेकिन अल्लाह नू सब दा नतीजा पहले ही पता होंदा है अल्लाह ना मालूम नू मालूम करन वास्ते इम्तिहान नहीं लैंदा अल्लाह छुपी हुई नू जाहिर करन वास्ते इम्तिहान लेता है इम्तिहान अल्लाह कुलूबहुम अज़हर अल्लाह माफी कुलूबहुम उन्हां दे दिलां दे विच जो को जाई अल्लाह ने कट के कायनात दे सामने रख दिता उलाइक अल्लज़ीन इम्तिहान अल्लाह कुलूबहुम लित्तक्वा अल्लाह फरमांदा मैं जाहिर कीता इन्हां दे दिलां दा तकवा इस गल ते इस अजमैश दे नाल लोगां नूं पता लग जाए जो मन्नण वाले इंज हुंदे ऐन लोगां नूं पता लग जाए जो साफ दिल वाले इंज हुंदे ऐन लोगां नूं पता लग जाए जो दिल लई तकवा रखण वाले इंज हुंदे ऐन लोगां नूं पता लग जाए इखलास नीयत वाले इंज हुंदे ऐन लोगां नूं पता लग जाए सच्चे दिल नाल ईमान कबूल करण वाले इंज हुंदे ऐन अल्लाह फरमांदा है ओला الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى جڑے ویلے اساں تقوا دا امتحان لے آئے ول تقوی دے میدان دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر ایک ساتھی کامیاب تے کامران ہو گیا سبحان اللہ سارے متقی تے اللہ دا میں جنت کہندے واسطے بنائی ہے مثل الجنت التی وعد المتقون میں جنت بنائی وی تقوی والے واسطے تے پیغمبر دے سارے صحابی کیا ہیں تقوی والے اللہ دا تے جنت میں بنائی وی تقوی والے واسطے وعد المتقون اللہ اکبر ول تقوی دے وی مدارج ہوندے ہر عمل دے مدارج ہوندے ہر عمل دے درجے ہوندے कोई तलवे दर्जे ते खलोंदा है कोई उस तो उतले ते खलोंदा है कोई सब तो उतले दर्जे ते पहुंच वेंदा है तकवे दे वी मदारिज एक मुत्तकी है एक ओदे नालो ज्यादा तकवे वाला ओ तखियुन ने फईलुन एक ओदे नालो भी ज्यादा मुत्तकी है ओ अल अतका है अफअल दे वजन ते सब तो ज्यादा अल्लाह दा तकवा रखण वाला कुरान ने क्या कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम अतकाकुम अकरम भी इसमें तफजील है मुत्तकी दी करामत और इकराम और इज्जत है तकी दी इकराम और इज्जत भी है लेकिन इत्थे गल अकरम दी पई हुंदी सब तो ज्यादा इज्जत कहिंदी साफ जाहिर है जिहदे विच सब तो ज्यादा तकवा पाया जाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम सब तो ज्यादा इकराम ते इज्जत सब तो ज्यादा तकवे रखण वाले दे अंदर हुण अल्लाह फरमांदा है सारे तहन तकवे वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी महफिल दे अंदर सारे तकवे वाले मगर इन्हां सारिआं तकवे वालिआं नालों एक वड्डा आला तकवे वाला भी हाई वो गुजरिया जा रहा अपने काम नूं तिजारत करदे हन बड़े दना समझदार ताजर भी हन गली दे शोर सुनिया उदे मुड़ गए वेख्या एक गुलाम है उन्हों कुछ नौजवान लड़के घसीट दे वदन उतू मर दे भी वदन उदा आका वह भी उसने उतू चाबकां ते कोड़िया नाल मार
करीब होए, क्या मसला है? फितरतन नरम दिल हन। मैं अबू बकर सिद्दीक दी गल कर रहा रजी अल्लाह ताला, नरम दिल हन। उन्हें आखे इस गरीब नु क्यों मार रहे हो? वो जड़ा उमैया बिन खल्फ है, उस गुलाम का सरदार आगण लगा जी ये तुहाडे मजहब ते आ गया, मैं इनू आना छोड़, ये छोड़दा नहीं। अदा हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। मैं इस नूं मार रहा जब तक इस नहीं छोड़ना, मैं मार दिया रहना। ये मर वही सी ना, मर वे क्योंकि मेरे काम का तो है नहीं जी, ये हूं ना छोड़े वह अकीदा था। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया तेरे काम का कोई नहीं तो तू मैनू फरोख च कर, मैनू दे चा। तू इनू क्या करे से जो कुछ भी कह, तू ए पैसे मंग जड़े मंगने। उस आपू जान ज्यादा मंगे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने उत्थों ही पिछा कर गए, उहदी मंगी हुई चांदी नालों भी कोई ज्यादा आण के उन्हों दिती। उस आके तो ज्यादी है, उन्हें आके चल ए भी तू ही रख, ये गुलाम मैं दे। उन्हें उठाया, छंडिया, फूकया। वो उमैया बिन खल्फ आखन लगा अबू बकर सिद्दीक, वो तो सिद्दीक ना ना तो संत आखना चाहिए है ना, तू बड़ा समझदार ताजर है, अज घाटे का सौदा किवें कीता ही? ये इतने पैसों का नहीं है गुलाम जितने का तू ले वही ना। उन्हें फरमाया बेवकूफ आ, तेरिया नज़र एदिया शक्ल ते ने, मेरी नज़र ए दिल आले नूर ईमान ते। ओ बिलाल है जड़ा टुरदा जमीन ते, पैरां दी आवाज़ आसमान दे फरिश्ते सुनदे ने। लै के वेंदे पैन बई आप दी खिदमत दे अंदर पेश करां ते ओ मशकूर पे होंदा है ममनून हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो कि जनाब तुहाडी बड़ी मेहरबानी, जालिम कोल मैनूं छुड़ाया ने, मैं सारी जिंदगी तुहाडी गुलामी करे सां जी। आपने फरमाया मैं तेनों अपनी गुलामी वास्ते कोई नहीं लिया, अज तो बाद तू आज़ाद है। अल्लाह नूं केड़ी अदा पसंद आई, अल्लाह ने सूरत नाजिल फरमाई। ऐ जिथों मैनूं गल याद आई है, अल अतका वाले सब तो ज्यादा मुत्तकी, सब तो ज्यादा तकवे वाला। सयुजन्नबु अल अतका अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का مال احد من نعمت تجرى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى। सयुजन्नबु अल अतका जन्नत में बनाई मुत्तकीन वास्ते जेड़े तकवे वाले, इन्हां नूं जहन्नम दी हवा भी नहीं असन लगन देवनी। मगर जेड़ा ए तेरा सिद्दीक ए तां तकवे आलिया दा सरदार ए, इहदे नेड़े भला जहन्नम किवें आ सकदी? ए तां इहो जिहा बा कमाल बंदा है, अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, ये अपना घर प्यो या सांभ के रखे हो या माल चाहिए आंदा है। जेड़े वेले भी आया अजमाइश का वेला, सिद्दीक अकबर कहनलो हरिया नहीं, थकिया नहीं, पिछा हटिया नहीं, एदी हर वेले दी आदत है, अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। जेड़े वेले भी इनू मौका मिलता है, अल्लाह दे राह दे उत्ते रज रज के माल दिती रखता है, यतज़क्का रियाकारी वास्ते नहीं देंदा बल्कि अपने दिल दे तज़किये वास्ते खर्च करेंदा रह वेंदा है। मैं ले आदे में नेमत तो जज़ा ए
नहीं जो बिलाल दा कोई उधार देवना ही जेड़ा लाया है जेड़े वेले देंदा है ते राजे राजे देंदा है जेड़े वेले देंदा है पिछा हट के नहीं वेदा जेड़े वेले देंदा है सारा झुग्गा दे देंदा है जेड़े वेले देंदा है रब दी रजा वास्ते देंदा है जेड़े वेले देंदा है अण जिथे यार नु मनावण ते राजी करण वास्ते देंदा है अल्लाह फरमांदा ए यूजिया देवण वाला है इल्ला बतेगा वजह रब्बे लाला ये तो जेड़े वेले देंदा है अपना रब्बे आला जेड़ा है उन्हों राजी करन वास्ते देंदा है जेड़े वेले देंदा है अपने रब दी रजा तकर्रुब लैण वास्ते देंदा है जेड़े वेले देंदा है अण जिथे यार दी रजा लैण वास्ते देंदा है जेड़े वेले देंदा है उसूले रजा इलाही वास्ते देंदा है जेड़े वेले देंदा है जन्नत लैण वास्ते देंदा है जेड़े वेले देंदा है रब वास्ते देंदा है दुनिया वास्ते नहीं देंदा जिथे देवण दा वेला आवे उत्थे सोचदा कोई नहीं देंदा है जिथे देवण दा वेला आवे उत्थे रुकदा कोई नहीं देंदा है जिथे देवण दा वेला आवे उत्थे मियां पिछा रखदा कोई शह नहीं देंदा है जेड़े वेले अल्लाह दे पाक पैगंबर ने खुद एक वारी आप चंदा कीता उस वेले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें आख्या अज मैं सिद्दीक नालों वधना है नित सारिया नालों वध वेंदा है जेड़े वेले माल लै आंदा उस वेले अल्लाह दे पैगंबर ने पुछया ई ए मेरा उमर अज कितना माल लै आंदा ई जेड़े मैं अपने पूरी जायदाद दे दो हिस्से च कीते अद्धा अपने घर रखाया ते अद्धा सोने दी खिदमत दे अंदर लै आंदा है वल जेड़े वेले नंबर आया है अबू बकर सिद्दीक माल लै के आया है अल्लाह दे पाक पैगंबर ने पुछया है ए मेरा सिद्दीक कितना माल लै आंदा ई आखण लगे ए अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मैं अपने घर सारी कद्दां ते वी हथ फेर के जिहड़ी शाह मैनू लभी है मैं तां सोने दी खिदमत दे अंदर लै आंदा है ए मेरा सोना अपने घर अपने बच्चियां वास्ते के छोड़ के आया है जिहड़े तरक तो लिया ली उबल्लाए व रसूल ही मैं अपने घर दे बाला वास्ते अल्लाह ते उहदे रसूल दी मुहब्बत दा खजाना छोड़ा ओ सिद्दीक हुण अल्लाह के प्यादा है अल्लाह फरमांदा है इल्ला बुतगा वजह रब्बे आला वला सौफा यरदा वला सौफा यरदा अंदाज अल्फाज तकल्लुम गैब दे सीगे दिन पढ़े लिखे लोग जानते हैं इदे सिर्फ फर्क है कि हाजिर दे सीगे क्योंकि आप दुते तो सुभान अल्लाह वही आती सिद्दीक ते नहीं ना आती मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह एक बारी इंजे तसल्ली दी आई जरा तवज्जो कराया तां तुहानू मतलब समझ आ सी वाला सौ फयार दा लोगां आखिया अजी इतने दिहाड़े हो गए वो कित्थे गया जिबरील ते वहीद वो कोई दिहाड़े वास्ते रुक गया हा सलसला वेखो ना जी ए नित बई जिबरील आंदा ते वही आंदी ते जिहड़े बकवास करन वाले हुंदे उन्होंने तो मौका चाहिए हुंदा है ना थोड़ी जी गुंजाइश गल्लां जेले फैलियां अल्लाह ने आप दी तसल्ली वास्ते भी सूरत नाजिल फरमाई आई सुभान अल्लाह जो सज्जे पासो हुंदा है खब्बे पासे वाले पता नहीं कशा पीती बैठे ये उंजे बख्शे बैठे ये इन्हां डर रहे जो कि अमाल नामा ही खब्बे हथे ना मिले अल्लाह दे बंदे सुभान अल्लाह अलहमदुल्ला माशाल्लाह आखी रखिया करो ये तुहाडा अपना फायदा है तवज्जो है ऐलान पे आंदा है वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा सुभान अल्लाह वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى अल्लाह फरमांदा है मेरे पाक पैगंबर मैनू जानन दी कसम
ते वत रात दी कसम, हालांकि रात दा मुतजाद दे उंदा है। अल्लाह ने इंज नहीं आख्या वन्नहारे, बल्कि फरमाया वज़ुहा, क्योंकि बाजे दे होंदा है पर चानण नहीं आंदा, बदल दी वजह तो, अंधेरी दी वजह तो, या सूरज ग्रहण दी वजह तो। अल्लाह फरमांदा वल फायदा केड़ा होया, असां गल त करनी है चानण दी। दुनिया के अंदर चानण मौजूद है के नहीं? जड़े जी मौजूद है। वल लैले इज़ा सजा, ते रात अला अंधेरा भी मौजूद है के नहीं? जड़े जी मौजूद है। अल्लाह ने गोया है समझा जे अगर चानण भी है ते अंधेरा भी है, एदा मतलब है कायनात आबाद है, क्योंकि कायनात दियां दलीलां दो ही चीजां हैं, या चानण है या अंधेरा है, त्रीका इशाए होंदी नहीं। चानण है ते अंधेरा है, एदा मतलब है कायनात आबाद है, दिन ते रात आ जा रहा है, सूरज उभरदा ते डुबदा पिया, मतलब दुनिया वसदी पई है। अल्लाह फरमांदा है ओ मेरा सोना, जे दुनिया वसदी पई है तो तुसा किवें समझ लिया जो मैं तुहाडे नाल नाराज हो गया? जे मैं नाराज हो वन्या वल दुनिया किवें आबाद रहा? जिहड़े वेले वल तुहानू भेजण दा मकसद ही खत्म हो गया, वल कायनात नू बाकी रखण दी जरूरत ही केड़ी रह गई? ए मेरे पाक पैगंबर, वज़ुहा वल लैल इज़ा सजा, अगर दुनिया मौजूद है इहदा मतलब है तुहाडी जरूरत है कायनात दे अंदर। तुसा कुरान सुना रहे हो, तुसा तौहीद सुना रहे हो, तुहाडी शरीयत नबुवत रिसालत तालीमात तुहाडी हिदायत जारी हो सारी है। ए मेरे पाक पैगंबर, नहीं मैं तुहाडे नाल नाराज कोई नहीं होया, मैं तुहानू कल्या भी कोई नहीं छोड़िया, बल्कि वल आखिरत खैरुल लका मिनल औला, तुहाडा जितना भी अगला लम्हा गुजर रहा है असां पहले नालों ज्यादा शान दे तुरने वधाई वेने आए, ते इक वेला इहो जिहा आवणा है वाला सौफा योती करबो का फतरदा, एक वेला इहो जिहा आवणा है क्यामत वाला दिन आवणा है, असां इत्थे त नहीं, इत्थे त जिवें हे हे मुआमले चलदे पहल, कदी दुख आया ते कदी सुख आया, कदी गम आया ते कदी राहत आई। अल्लाह फरमांदा जिहड़े वेले क्यामत वाला दिन आउणा है, असां तुहानू इतना देवणा है, इतना देवणा है, इतना देवणा है, जो तुसां आप आखणा है अल्लाह मैं राजी हो गया हुण बस चकर। अल्लाह फरमांदा है जिवें क्यामत वाले दिहाड़े अपने मुहम्मद नूं मैं आप राजी करना है, इन्हें क्यामत वाले दिन वाला सौफा यरदा, मुहम्मद दे खलीफा बिला फसल सिद्दीक नूं भी मैं आप राजी करना है। माशाअल्लाह ताला, हाँ वाला सौफा यरदा, अल्लाह दा इत्थे नहीं ना, इत्थे तो कदी दुख कदी सुख कदी तकलीफ वाला सौफा यरदा, एक वेला आसी अल्लाह दे खुद पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना मिन अमन निन्ना से अलैया अबू बकरन, अबू बकर दे सब नालो ज्यादा मेरे उते एहसान हैं, मैं बदला नहीं चुका सकता, आपे क्यामत अल दे अल्लाह इनू राजी करे सी। वला सौफा यरदा, अल्लाह सुभान अल्लाह, एओ सिद्दीक जिहदे बारे अल्लाह ऐलान पिया करेंदा है इल्ला तनसुरू हो फकद नसरहुल्लाह इज़ अखरजहुल्लज़ीन कफरू अल्लाह फरमांदा है इल्ला तनसुरू हो, तवज्जो है, अगर तुम मेरे पैगंबर की मदद ना करो, तन शुरू हो अल्लाह दे पाक पैगंबर जिहड़े उबासी आवे ना, उबासी मुंह दे गुहा दित्ता करो, उबासी दा पता ना किवें आंदी, मुंह जिहले फुल खुलदा दरमियान रुकदा नहीं, पटींदा उन पटी बन दे जितना ही पटींदा, ढक्कण दी जरूरत नहीं, लेकिन मुंह दे गु हाथ जरूर दित्ता करो, हदीस और अल्लाह दे नबी दे फरमान ते यकीन रखिया करो।
कलमा जींदा पढ़ींदा उहदे आखे लगींदा। आपने फरमाया इदा तसा अब अहदुकुम फल युमसिक बियदिहि, जिहड़े तुहाडे विचों किसे नूं उबासी आवे ते अपने मुंह दे अगू के करे हाथ देवे, अगर न दे सी तो वह इन शैतान आयद गुलफी फी बस शैतान उहदे अंदर दाखिल हो, मुसलमान होवे ते उहदे अंदर शैतान वड़ वञे, ये कोई चंगी गल है? चुप पे तो मतलब तू सा इतफा के बेवाड़ बन जाए चुप हो बैठे खुदा आते बंदे हो ज्यादा पाला था कोई नहीं लगो होया। मुसलमान दे विच अंदर शैतान वो तो हवा बन के टप वजदा, वो हे हवा ही मखलूक, वो अंदर लग वजे, ये कोई चंगी गल है? नहीं ना चंगी गल। तो वह तुसा अल्लाह वाले हो करमा लो, जिसले उबासी आवे उसले इंतजार सजे खबे दा ना कीता करो, जेड़ा हाथ वेला होवे चाह के फाटक दे गुजरा के। अल्लाह अकबर, ये वड़ वंजे बड़े बुरी शाये शैतान, ये बड़े फसाद पैंदा, फितने पैंदा, लड़ाइंदा, ये बड़े अजीब अजीब ये करता बोंदे। तो वह ये वड़दा तो आपू निकलदा आपू ने, साफ जहर पैसे लगते कै कोल वहना पम सी उहदे कोल कटावना पम सी, मुड़ वही अद्धा कट के छोड़ते सी भी चलो मोड़ आवे, इहदे नाल सीधा इहनू इथां ही डक लिया कर। हर हर पैगंबर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुन्नत च, हर फरमान च, हर अमल च अल्लाह दियां ढेरों बरकत आउंदियां। ए हुण ए ना कि समो बिस्तरा झाड़ के त्राए वेरी बिस्तरा क्या उहदे च आखे जी उहदे को कंडे पै उहदे कश हे पई, नहीं नहीं कोई शै ना होवे। इंसान दे खुलियात दी टूट फूट जेले नींद दी हालत च होंदी, अरबां खरबां खुलिए त्रुटे हुए बिस्तर ते पए होंदे। हुण मेरे मुंह दुर्वेदन में जिवें बकाया लैणा उहने, इह साइंस अज वधिया थी, इह साइंस अज, इह साइंस अल्लाह अकबर। एक डॉक्टर साहब पे दसन भाई ये जिहड़ी मक्खी होंदी ना जी, मक्खी इहदे दोहां परां दे उत्ते मुख्तलिफ किस्म दा बैक्टीरिया होंदा, एक पर दे उत्ते जिहड़े जरासीम होंदे ने मोहलिक होंदे ने, दुए पर ते जिहड़ा मवाद लगा होया होंदा उन्हां जरासीमां नूं मारन वाला होंदा। मक्खी के करदी है जिसले अचानक डह पवे किसे पीवण वाली शह च, इंज हो के डांदी है, एक पर उत्तां रखदी एक तले, जरासीम मोहलिक जरासीम वाला पर तले करेंदी है ते जरासीमां नूं मारन वाला पर उत्तां होंदा। अल्लाह दे नबी के फरमाया जिले पीवण वाली शह च मक्खी डवे इहनूं चंगी तरह चबोड़िया करो। समझ आई कि नहीं आई? ये अज तो 1400 साल पहले साइंसदान डॉक्टर अज वजे दसे दिन जी एक पर शिफा है ते दूए पर बीमारी। अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसले जुत्ती पाओ उन्हें छंड लो, उन्हें के करो उस्ताद नूर मोहम्मद साहब नबी नान मेरे उस्ताद हैं, बड़े सभा शरद कारी खोखरा ली कसी उसले आसे, वो जुत्ती पाने वास्ते असर की नमाज पढ़ी ना तो वह कने वाली जुत्ती पहनते हैं, तो उन्होंने मैं फाते मैं आख उसता जी ए जुत्ती पई उन्हें पैर बिच तो थोड़े मुड़े बस मैं जी खैर ओहो जने अज मैंने उका यकीन आ गया भाई अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई मोसे ने इंसानियत है। मैं जी अज किवें जने अगे सुनया भाई आपने फरमाया भाई जुत्ती झाड़ के पाई करो, मैं अज नहीं ना झाड़ी बिच डीम वधाई मैनू लड़ गया। ये हसण की गल नहीं, खुदा दे बंदे हो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हर फरमान ते अमल करना बायस बरकत। लैटरीन च हर इंसान नूं वजना पौंदा, एक ऐसा मामला दिन च कई दफा वजना पौंदा कि नहीं, उसकी दुआ पढ़ते होंगे हो ताई तो तुसा नमाजा नहीं पढ़ते, ताई तो तुसा चुगलियां चाहते हो, ताई गिबतां करेंदे हो, सूद खांदे हो, रिश्वत, शैतान तुहानू चंगे पासे आवन नहीं देंदा। बाहर रुक गए करो एक मिनट वास्ते, एक लाजे वास्ते लैटरीन दे दरवाजे ते आके करो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, अल्लाह मैं खबीस मुजक्कर जिन्ना कोलू ते खबीस जिन्नियां कोलू तेरी पनाह मंगना।
ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇ ਲੈਟਰੀਨ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਘਰ ਰੇ ਹਦੀਸ ਹਦੀ ਲੈਟਰੀਨ ਜਿੰਨਾਤ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਦਾ ਘਰ ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਤਨੇ ਫੈਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਵੇ ਊਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਹੋ ਬਲਕਿ ਮੁਫਤਾਉੜ ਵੀ ਹੋ ਊਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸੋ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਮਖਲੂਕ ਵੀ ਹੋ ਸੋ ਹਾਂ ਬਹੁ ਉੱਚੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੋੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇਲਾ ਤਨ ਸੁਰੂ ਹੋ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਬਸ਼ ਸ਼ਾਬਸ਼ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਨ ਤਵੱਜੋ ਇਲਾ ਤਨ ਸੁਰੂ ਹੋ ਫਕਦ ਨਸਰਹੁਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਪ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਰਾਏ ਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਮਾਏ ਇਜ਼ ਅਖਰਾਜਹੁ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਈ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿਸਾਂ ਲਈ ਖੁਰਜੂ ਕਾ ਉਹ ਯਕ ਤੁਲੂ ਕਾ ਜਾਂ ਬੰਨ ਦਿਸਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਸਾਂ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿਸਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇਜ਼ ਅਖਰਜਹੁ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਫਰਾਂ ਕੱਢਿਆਈ ਅਜਣ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਇਜ਼ ਫਰਮਾਇਂਦਾ ਸਾਨੀ ਅਸ ਨਹੀਂ ਰੂਹ ਮਾਫਿਲ ਗਾਰ ਅਜਣ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂ ਇਜ਼ ਯਕੂ ਲੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਆਈ ਸਾਨ ਨੇ ਯਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਦੂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆ ਦੂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂ ਸੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆਈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨਾ ਉਲਟ ਨਾ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਮ ਉਸਕੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸ ਕੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਫਕਦ ਨਸਰਹੁਲਾ ਤੋ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਸਕੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਇਜ਼ ਅਖਰਜਹੁ ਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਜਬ ਨਿਕਾਲਾ ਥਾ ਉਸਕੋ ਕਾਫਰੋ ਨੇ ਕਿਨੂੰ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਦੱਸਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਸਾਨੇ ਯਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਬੀ ਆਈ ਦੂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆ ਇਹ ਸਾਨੀ ਯਸ ਨੈਨ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਤਵੱਜੋ ਸਾਨੇ ਯਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਬ ਨਬੀ ਥਾ ਦੋ ਮੈਂ ਸੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਯਕੂਲੋ ਔਰ ਜਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦੀ ਅੱਗਾਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਇਜ਼ ਯਕੂਲੋ ਲੈ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਦੀਕ ਕੋ ਸਾਨੇ ਯਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਹੈ
जब आसानी था दो में से अल्लाह ये गल किवें बन गई पैगंबर ते लासानी पैगंबर ता पैगंबर सानी नहीं पैगंबर तलासानी पैगंबर हुस्न दे अंदर लासानी पैगंबर जमाल दे अंदर लासानी पैगंबर कमाल दे अंदर लासानी पैगंबर बसारत दे अंदर लासानी पैगंबर बसीरत दे अंदर लासानी पैगंबर शरीयत दे अंदर लासानी पैगंबर तबीयत दे अंदर लासानी पैगंबर तरीकत दे अंदर लासानी पैगंबर हसब नसब दे अंदर लासानी पैगंबर हुब ते वुद ते सिदक दे अंदर लासानी पैगंबर नजर ते बसर दे अंदर लासानी पैगंबर नबुव्वत रिसालत वलायत अमानत दयानत ते हुज्जत दे अंदर लासानी सारे मुआमलात जितने कमालात ते खूबियां इंसानां नूं मिलियां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे कमालां दे अंदर लासानी ते इत्थे पिया नसाने यस नहीं ने अल्लाह फरमांदा है तोए अगला इस जो नहीं पढ़िया तां तैनूं अजा समझ नहीं आई मैं किहड़े लिहाज नाल नसानी आख्या है सान यस नहीं ने इस हुमा फिल गार जड़े वेले गार दे अंदर दाखिल होण लगे आले उस वेले पहले सिद्दीक दाखिल होया ई ते दूए नंबर ते मेरा मुहम्मद दाखिल होया ई सिद्दीक पहले दाखिल होया या हजरत मैं पहले दाखिल होना कोई बिच्छू होवे कोई नांग होवे कोई कंडा होवे कोई जरर देवण वाली शाय होवे चलो मैनू तकलीफ आवे मुहम्मद सोने नू तकलीफ ना आवे साने यस नहीं ने इज हुमा फिलगारे जेड़े वेले गार दाखिल होवे लगे आल उस वेले सिद्दीक पहले दाखिल होया सारी गार नू सफा कीती आई जितने सुराखां कपड़े पाड़ पाड़ के सुराखां दे अंदर दिते आल सुराख बाकी रह गया वल अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु गार दे अंदर बुलाया ही आप बैठ गया अपनी गोद दे अंदर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु इस रुख दे अंदर लिटा दिता ही आपका सिर मुबारक उन्हां दे सानू दे उते आई वल मियां एक सुराख रह गया अबू बकर सिद्दीक ने पैर लम्मा चकीता है तो सुराख दे अंदर अपनी एड़ी च दिती है अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु नींद पे फरमांदे हैं आराम दे अंदर थोड़ी देर गुजरी है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो उन्हां दी अखां विचों छम छम आंसू आवण लग गए आप दे जिहड़े वेले चेहरे अनवर ते गिरे हैं अल्लाह दे पाक पैगंबर दी नींद खुल गई फरमाया मा युब की का ए मेरा सिद्दीक तैनू कह रवाया है अल्लाह दे पाक पैगंबर जी एक सुराख रह गया ओ दे अंदर मैं अपनी एड़ी च दित्ती आई उस एड़ी दे उत्ते कह बारो नांग ने डंग मार लिया मैं हलिया जुलिया तो कोई नहीं मैं तो सोने दी नींद दे अंदर फर्क पै वंजी मगर दर्द होया है बिला इख्तियार हंजू निकल आए अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया है अपना पैर जिथे उसने डंग मारिया है जरा इत्ते सामने तो फैला जेड़े वेले फैलाया है आपने लोहा बेदहन मुबारक लगाया है ते पुछया दस तकलीफ है के नहीं अर्ज कीती है या रसूल अल्लाह हुण तां इंज लगदा है कदी दर्द होया ही नहीं सुभान अल्लाह दर्द तो याद आया बुखारी शरीफ दी हदीस सारे किले फतह हो गए ते हिक रह गया खैबर वाला आप पे फरमांदे हैं लौत यन लरियत गदर रजुलन अग्रवाद क्यों परेशान बैठा चावल मिल वैसे खैर है सुभान अल्लाह मैं जेड़े लदाया इन वेखन लगा पता नहीं के ठड्डे साहब बैठा परेंदा लऊत यन लरायत गदन मैं कल झंडा देवना है इयो जय मर्द नु जेड़ा अल्लाह नाल कई वखरी मोहब्बत करेंदा है ते अल्लाह भी ओदे नाल बहु मोहब्बत करेंदा और हर बंदे जय जय ऐलान सुने हर बंदा प्यादा है मैं बड़ी मोहब्बत करे ना वेख लवै कल झंडा मैनू मिलना दुआ प्यादा है मैनू मिलना सारे जो करे ध्यान मोहब्बत मगर जेड़े ए हाई कई जुजी फजीलत दा जिक्र आई जेड़े वेले फजर होई अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उदू अली
सैयदुना अली अखो रजी अल्लाह ताला नो उन्होंने बुला के लाया हो। लोग दसन लगे जी उन्हां दियां अखां दुखदियां दर्द होंदा है ते पानी अटकार जिवें होंदा है ते पानी वगदा रह वेंदा है ओ तां तकलीफ दे अंदर है उन्हां कदा झंडा संभाल सकना है। मगर आपने फरमाया मैं जो आख्या बुला के लाया। दो बंदे गए सज्जे खब्बे उन्होंने सहारा दे के लाया दर्द बढ़ा तकलीफ बड़ी आई। जेड़े वेले आए हैं अखा नहीं पईयां खुलदियां अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछया है क्या मुआमला है। जने जी ए मुआमला है तकलीफ वाला। आपने फरमाया उदनो ही लिया जरा मेरे होर करीब आते नेड़े आ। जेड़े वेले नेड़े आए आपने दूसरे हथ मुबारक नाल इंज छप्पर हेठला उतला खोलिया है ते अपना लुआबे दहन मुबारक अपनी उंगली शहादत वाली दे नाल लाके हजरत अली अखरत अल्लाह ताला नो दी अखा मुबारक दे अंदर ला दिता है। पुछे मेरा अली हुण दस तैनू दर्द है कि कोई ना। उस वेले हजरत अली रजी अल्लाह ताला नो पे फरमांदे अली या रसूल अल्लाह इंज ठंडक आई अखी दे अंदर दर्द गैब हो गए। सुभान अल्लाह केड़ा लुआबे दान है। एक और हदीस याद आई सुनाई वन मत चावल ठर वजने नहीं ठरते चलो मुड़ सेक ले सा। एक बारी 1400 बंदा साहब है करा पानी मुक गया पानी मुक गया उसले कोई मोटर शोटर तो कोई ना ना कोई खूह लद्दा या कोई चश्मा बस होर केड़ा जरिया पानी हूं ठीक कित। जड़ वेले पानी मुक गया लोग आए परेशानी है जी ना पीवन जोगा ना नावन जोगा ना वूजू जोगा। आपने फरमाया वाल कोई खूह तलाश करो कोई चश्मा तलाश करो। दो साथी गए इधे दो गए इधे दो गए इधे इन्हें मुख्तलिफ जिहत सिमत वाल गए। जेड़े गए आन एक पासे ओ आए ते आन के आखन लगे ए अल्लाह दे पाक पैगंबर जी खूह तक लभै पर सुक्का होया है ओदे तल दे अंदर कुछ चिक मिक जई है पई बाकी पानी कोई नहीं। उतो राह वेंदे वे एक मुसाफिर को लो पुछया उस आख्या अगे कदाई इत्थे आबादी आउंदियां ने ते कुआं आ मगर ऐसा ऐसा इस कुएं दा पानी कौड़ा हो गया वल लोग इत्थों निकल गए। ये हुण ऐसा ऐसा वल जिहड़े वेले पानी लाउणा छोड़ दिता है इसने पानी कढ़णा भी छोड़ दिता।